तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसे चमत्कारी धाम जिसके जो है चर्चे केवल भारत में ही नहीं देश विदेशों में भी हैं। ये जो चमत्कारी धाम है इसका नाम है बाबा नीम करौली धाम, जो कि है नैनीताल ज़िले के कैची में स्थित है। तो दोस्तों आज इस मंदिर के बारे में आपको बताते हैं और इसके जो ये जो अभी वर्तमान में ये मंदिर कैसा दिखता है वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और इस मंदिर के जो इतिहास रहा है और यहाँ बाबा ने कैसे अपना धाम बनाया है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है आज। हमने आपको जो है मंदिर के वर्तमान परिदृश्य दिखा दिया है। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये बना हुआ है अल्मोड़ा भवाली मोटर मार्ग पर, जिसकी दूरी जो है नैनीताल से 22 किलोमीटर की लगभग है। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ मंदिर है, बिल्कुल नदी के किनारे। ये सिपरा नदी इसका जो है जो बहुत पवित्र धाम यहाँ पर सिपरा नदी के किनारे पर बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही जो है मनमोहक है, प्रकृति की गोद में है, तो यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर वाइब्स आती हैं। तो दोस्तों एक तो यहाँ पर क्या है कि मंदिर के जो है कैमरे से जो है वहाँ पर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम आपको अंदर का परिदृश्य तो नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा कुछ मंदिर दिखता है दोस्तों। हमेशा ही यहाँ पर भक्तों का जो है तांता लगा रहता है, देश से ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर भक्त आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भजन वगैरह करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा होते रहता है दोस्तों। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको अलग ही पॉजिटिविटी आएगी दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियोस में देखा भी होगा बहुत से यहाँ पर सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े स्टार यहाँ पर आते हैं उसके लिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा वर्तमान परिदृश्य यहाँ पर है इस मंदिर का।
तो दोस्तों अभी तक हमने आपको इस वीडियो में जो है यह मंदिर की वर्तमान परिदृश्य और वर्तमान के बारे में बताया है। तो इसी के साथ दोस्तों अब इस मंदिर के ऐतिहासिक पहलू के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ। तो बताया जाता है दोस्तों नीम करोली बाबा 1961 में जो है नैनीताल के जो हनुमानगढ़ी धाम जो है अभी वहाँ पर सबसे पहले आए थे और लगभग 1964 में वो भ्रमण करते हुए भवाली मोटर मार्ग से कैची की तरफ आए थे दोस्तों। तो उन्होंने यहाँ पर देखा था कैची स्थान को, तो उन्हें ये स्थान बहुत बड़ा भव्य लगा था। तो यहाँ पर इन्होंने 1964 में 15 जून 1964 को यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति के साथ इस मंदिर की स्थापना करी थी दोस्तों। तो उसके बाद ही दोस्तों ये जो धाम इसकी जो है दिन प्रतिदिन इसका नाम बढ़ते रहे और वहाँ पर बाबा के साथ में जो चमत्कार थे उनके कारण ये देश में नहीं यहाँ पर विदेशों में भी अभी जो है फेमस है दोस्तों। का नाम जो है कैची है जो कि यहाँ के जो दो घुमावदार मोड़ हैं उनके कारण ये ऊपर से ऊंचाई से देखें तो कैची के समान लगते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस स्थान का नाम कैची है और बाबा नीम करोली के कारण जब ये फेमस हुआ तो इस एरिया का नाम पड़ गया कैची धाम और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण बाबा ने कर दिया। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बताते हैं कि बाबा में कौन सी चमत्कारी शक्तियाँ थी, कुछ उनके चमत्कार आपको बताते हैं। तो दोस्तों बताया जाता है कि एक बार जो है यहाँ पर भंडारा किया गया था लेकिन उस भंडारे में क्या था कि घी की कमी पड़ गई थी। तो बाबा ने जो ये सिपरा नदी दिख रही है तो इस पर इससे जो है एक कनिस्टर जो है पानी लाए थे और उसको कढ़ाई में डाला था और वो घी में परिवर्तित हो गया था। कुछ ऐसे चमत्कार दोस्तों, ऐसे एक नहीं हजारों चमत्कार हैं बाबा के। तो इसीलिए दोस्तों जो बाबा के जो भक्त हैं वो देश में नहीं विदेश में हैं। तो दोस्तों आपने एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं उनका इंटरव्यू शायद आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि उन्होंने एप्पल कंपनी का जो स्थापना करी थी यहीं से प्रेरणा उन्हें मिली थी। बताया जाता है कि दोस्तों एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स वो यहाँ पर कैची धाम में आए थे लेकिन उन्हें यहाँ आने के बाद पता लगा कि जो है बाबा एक साल पहले ही समाधि ले चुके हैं लेकिन वो वहाँ यहाँ पर रुके। तो उन्हें बताया जाता है कि किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने उन्हें एक कटा हुआ सेवादा खाया हुआ सेब दिया, तो उसी सेब को देख के उन्होंने अपनी कंपनी का जो है जो लोगो है वो एप्पल रख दिया। आज तो दोस्तों एप्पल कंपनी को कौन नहीं जानता है, देश में ही नहीं विदेशों में भी हर जगह एप्पल के गैजेट यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ बाबा के जो है जो मानने वाले जो उनके भक्त हैं उनके उन पर भी ऐसे चमत्कार हुए हैं। और इसी के साथ जो है दोस्तों एक अमेरिका एक उद्योगपति और हैं मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने भी बताया था दोस्तों वो भी अपने तंगी के दिनों में चल रहे थे, यहाँ तक बताया जाता है कि वो फेसबुक को बेचने वाले थे लेकिन जो स्टीव जॉब्स हैं उन्होंने बताया था कि आप एक बार उत्तराखंड के नैनीताल धाम में जाओ तो वहाँ पर आपको अलग प्रेरणा मिलेगी। और बताया जाता है दोस्तों यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग आए थे और यहाँ एक दिन के लिए वो आए थे लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि यहाँ पर बारिश हो गई और मौसम ख़राब हो गया तो यहाँ पर जो है एक दिन नहीं बल्कि चार दिन यहाँ पर रुके थे और उन्हें ऐसी प्रेरणा मिली वापस जाने के बाद उनके फेसबुक का नाम ऐसे हुआ, आज फेसबुक को कौन नहीं जानता है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों और एक विदेशी भक्त के बारे में बताया जाता है, एक हॉलीवुड स्टार है तो उन्होंने वो बाबा से इतनी प्रेरित हुई थी बताया जाता है कि उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ के हिंदू धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों ऐसा कुछ इतिहास में बाबा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों अभी इतिहास में ही नहीं वर्तमान में भी ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, आपने अभी वर्तमान में ही सुना होगा कि विराट कोहली के बारे में, तो उनके बारे में पूरी वीडियो अभी पूरी मतलब सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि कैसे वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस में क्या निखार आया और उन्होंने बाबा के दर्शन करे और खुद ही इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो पहले से ही नीम करोली बाबा को मानते हैं। तो दोस्तों ऐसी कुछ यहाँ की मान्यता है, तो यहाँ दोस्तों आप भी आ सकते हैं और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा आनंद का महसूस होता है हमेशा यहाँ पर
भक्तों का भीड़ रहती है। तो दोस्तों बहुत ही मनमोहक ये यहाँ पर दृश्य है प्रकृति की गोद में, और बहुत शांति का एहसास यहाँ पर होता है। और आप अगर सच्चे मन से आते हैं और तो यहाँ पर कोई भी आप मनोकामना अपनी करते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी नीम करौली बाबा कैची धाम की जो है वीडियो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और आने वाले भविष्य में भी हम ऐसे ही कुछ स्थानों की वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।